प्यारे बच्चों, मैं आपको कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में समकालीन भारत का भूगोल से संबंधित मानचित्रावली, इससे बातें मैं बताने चल रहा हूँ। जैसा कि इसमें भी दो मैप आते हैं भरने के लिए, खंड अ और खंड बा से। इसमें खंड आ में जो बातें पूछी जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पूछी जाती है, और खंड बा में वह भारत से संबंधित चीज़ें पूछी जाती है। तो भारत के संदर्भ में देखिए, जो भारत से पूछी जाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहले तो आपको इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होकर के बैठना ज़रूरी होगा, इसलिए कि जब तक आप एकाग्रचित नहीं रहेंगे तब तक ये समझ में आएगा नहीं। तो ये भारत का मानचित्र आप भी बना सकते हैं, बशर्ते हाँ ये है कि इसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा प्रयास कर देंगे तो निश्चित है समझ में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप देखिए बस, वैसे घसीटते चले जाइए, निश्चित है ये जो है आपको बन जाएगा। देखिए, ये भारत का मानचित्र, इसमें पूछा क्या जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, वहीं मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिए, भारत की जो भौगोलिक बनावट है उसको आप देख लीजिए। पहली बात, आपका नया नया एडमिशन हुआ है कक्षा 9 में, तो भारत के संदर्भ में मानचित्र कैसे देखा जाएगा, आप कैसे समझेंगे इसमें मानचित्र में कि कौन सा पूरब है और कौन सा पश्चिम, तो दिशाओं का ज्ञान समझ लीजिए आप इसमें। देखिए, ये मानचित्र बना है, मानचित्र में आप ऐसे इसके सामने खड़े हो जाएंगे, मानचित्र के सामने या ब्लैक बोर्ड, चाहे किस भी दिशा में हो, इससे मतलब नहीं रखता है। आप मानचित्र के सामने खड़े हो जाएंगे तो कौन सी दिशा किस ओर होगी वो मैं बता रहा हूँ। ये जो आपका दाहिना हाथ है, इस तरफ पूरब होगा, ये पूरब होगा, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होगा, पश्चिम, और सर की तरफ यानी ऊपर की ओर क्या होगा, उत्तर होगा, ये उत्तर दिशा है, और नीचे की तरफ दक्षिण होगा। ये दिशाओं का ज्ञान करने के लिए एक विधि है, यानी मानचित्र के आप सामने खड़े होंगे, दाहिने हाथ की तरफ पूरब, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण, ये दिशाओं का ज्ञान। अब इसकी भौगोलिक बनावट क्या है इसको थोड़ा देख लीजिए। तो देखिए, पूरब की दिशा में यहाँ इस साइड में इधर प्रशांत महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, तो ये जो है प्रशांत महासागर है। नाम तो प्रशांत ही है, सबसे गहरा भी है महासागरों में। प्रशांत महासागर में एक स्थान है मेरियाना ट्रेंच, यहाँ समुद्र की अधिकतम गहराई 11 किलोमीटर है, प्रशांत महासागर। और पश्चिम की तरफ देखा जाए तो अरब सागर है, अरब सागर, और दक्षिण की तरफ हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर। यानी पूरब की तरफ प्रशांत महासागर, पश्चिम की तरफ अरब सागर, और नीचे की तरफ हिंद महासागर। कहने का मतलब श्रीलंका हिंद महासागर में स्थित है। ये स्थिति है भारत के मानचित्र की, और
भारत की सुरक्षा तीन ओर से सागरों से हो जा रही है, इधर अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। इधर विदेशी आक्रमणकारियों से हमें पूरी तरह से निजात मिल गई है। यहाँ आपका हिमालय पर्वत हो जाता है। हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वत अगर इसकी लंबाई चौड़ाई देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, यानी लगभग 2400 किलोमीटर हिमालय पर्वत का जो फैलाव है वो जम्मू कश्मीर से लेकर के, या यूँ कहें कि लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। ये हिमालय पर्वत यहाँ पर, यानी लद्दाख के पास, जम्मू कश्मीर के पास या हिमाचल प्रदेश के पास, यहाँ पर लगभग इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है। ये 400 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के पास देखा जाए तो यहाँ इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर हो जाती है। ये इसका फैलाव है। तो यहाँ भी हम सुरक्षित हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं चाइना का युद्ध हमसे कई बार हो चुका है। अभी अभी डोकलाम में कुछ दिन पहले वहाँ कुछ हमारे सैनिकों से लफड़ा हुआ था। अभी कुछ दिनों पहले नेपाल के बगल में वहाँ भी चीनी सैनिकों से हाथापाई हुई है, समझौता हुआ लद्दाख के पास। ऐसा कहा जाता है कि चीनी सैनिक भी पीछे मुड़े हैं, लेकिन जो भी पेपर के माध्यम से मालूम हुआ कहते हैं कुछ हद तक ये गलत बात रही है। सैनिक अब भी वहाँ डटे हैं, भारत भी उस सीमा पर अपने सैनिकों को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर हिमालय पर्वत है। भारत को प्रॉब्लम होती है सिर्फ इधर से। इधर क्या है, ये आपका पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, इधर आपका चाइना है, ये चाइना है, ये आपका नेपाल है, ये आपका भूटान है। तो ये भारत की जो स्थिति है वह अगर देखा जाए, इधर म्यांमार पड़ जाता है। म्यांमार यानी जिसको पहले बांग्लादेश कहते थे, सॉरी म्यांमार जिसको बर्मा कहते थे, ये यहाँ पर आपका बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। अगर सीमाओं की तरफ ध्यान दिया जाए तो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा लगने वाली भारत से वो बांग्लादेश की ही है। तो ये भारत की जो बाहरी बनावट है, अगर उस पर विस्तार से नज़र डालें तो भारत को ज़्यादा दिक्कत पाकिस्तान से होती है, बाकी अन्य देशों से उतनी नहीं होती है। नंबर एक पाकिस्तान, नंबर दो चाइना। तो इस तरह से भारत की जो बाहरी बनावट है, एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जो हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है जिसको एवरेस्ट कहते हैं, यानी इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। इसके बाद दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वह भारत में है, उसे किस नाम से जाना जाता है, के टू अथवा गॉडविन आस्ट्रिन। भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद कंचनजंगा है, और भी कई पर्वत श्रेणियां हैं जो इससे कम ऊंचाई में हैं। तो एक प्रश्न और बनता है इसमें, जैसे यदि हिमालय पर्वत ना होता तो,
यदि हिमालय पर्वत न होता तो इसको इसका भारत के मानसून पर क्या असर पड़ता? तो समझ लीजिए इसको, यदि हिमालय पर्वत न होता तो यूरोप की तरफ से आने वाली बर्फीली हवाएं यहाँ से टकरा करके ये ऊपर की तरफ निकल जाती, और इधर जो चीन की बर्फीली हवाएं हैं वह हिमालय पर्वत से टकरा करके ऊपर की तरफ जो जाती हैं, इससे क्या है कि पूरा का पूरा उत्तर भारत ये बर्फबारी से बच जाता है। हिमालय पर्वत का बेनिफिट देखा जाए तो चाइना की तरफ से जो आने वाली बर्फीली हवाएं हैं वह हिमालय पर्वत की वजह से भारत में, या यूँ कहिए कि उत्तर प्रदेश में नहीं प्रवेश कर पाती, अदरवाइज़ पूरा उत्तर प्रदेश बर्फ से जम जाता। दूसरी बात जो हमने बताया, यूरोप से जो आने वाली हवाएं हैं यानी रूस से, रूस में जो साइबेरिया से आने वाली हवाएं हैं जहां का तापमान लगभग -60 डिग्री सेल्सियस होता है, ये बर्फीली हवाएं भी आ करके हिमालय पर्वत से टकराने के बाद इनकी गति धीमी हो जाती हैं, और ये थोड़ा और आगे बढ़ करके जम्मू कश्मीर में और उत्तर भारत में वर्षा करती हैं जो मानसूनी वर्षा के रूप में जानी जाती हैं। तो ये भारत के मानचित्र से संबंधित कुछ बाहरी बातें थी, थोड़ा अंदर की तरफ क्या है उसको समझ लीजिए। पहली बात, आपको इस मानचित्र के माध्यम से यह समझना होगा कि वास्तव में भारत के कुल कितने प्रदेश हैं जो एकदम से बॉर्डर पर अवस्थित हैं, यानी ये बाउंड्री पर, या यूँ कहिए कि पाकिस्तान से कितने प्रदेश हैं जो टच करते हैं, जो उससे प्रभावित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ये जम्मू कश्मीर पड़ जाता है जो पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है, और थोड़ा नीचे आते हैं ये पंजाब हो जाता है, पंजाब की सीमा भी पाकिस्तान से लगी हुई है, स्थलीय सीमा है। उसके बाद ये राजस्थान हो जाता है, राजस्थान की सीमा भी पाकिस्तान के साथ लगी हुई है, ये गुजरात आ जाता है, गुजरात की सीमा भी इससे टच करती है। कुछ समय पहले, आज के लगभग 8-10 वर्ष पहले, यहाँ पर गुजरात में अटैक हुआ था। गुजरात में क्या, इसी माध्यम से आए थे, ये सीधे यहाँ आ गए, मुंबई यहाँ है, महाराष्ट्र यहाँ आ करके, उसका एक नाम था जिसको फांसी हुई बाद में, कसाब, वो समुद्री रास्ते से होता हुआ मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास 5 सितारा होटल में जा कर के उसने अपना स्टेन गन चला करके कई पुलिस कर्मियों को उसने मार गिराया था, लास्ट में जीवित पकड़ा गया और उस पर मुकदमा चलाया गया और उसकी फांसी हुई है। तो ये पाकिस्तान जो है इधर से जल मार्ग द्वारा ये आतंकवादी आए थे। इसके बाद इधर कोई दिक्कत नहीं होती, इधर तो यहाँ महाराष्ट्र से लेकर गुजरात से लेकर के पूरा अरब सागर से घिरा हुआ है। आज मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, अगले टर्न पर मैं आपको बताऊँगा कि ये जो सीमाओं से लगे हुए हैं कौन कौन से प्रदेश पड़ते हैं, इस पर मैं विस्तार से आपको बताऊँगा। धन्यवाद।